फरीदाबाद में देर शाम बदमाशों ने इनकम टैक्स अधिकारी बनकर प्रॉपर्टी डीलर के घर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश प्रॉपर्टी डीलर के घर से लाखों रुपए की नकदी और एक पिस्टल चुराकर फरार हो गए। घटना ये हुई थी कि मेरे पास फ़ोन आया कि इनके भतीजे का कि इनकम टैक्स के लोग आ गए हैं घर पे, आपने फटाफट घर पे आ जाओ। मैं ठीक है, मैं 5 मिनट में पहुंचता हूँ। 5 मिनट बाद जैसे ही पहुंचा घटनास्थल पर, घटनास्थल पर पता चला जाके कि 7-8 लोग 8-9 लोग घर में आए। एक पुलिस की वर्दी में था, वाइट कलर की स्कॉर्पियो थी। इनको ले जाके कमरे में उन्होंने बंद कर, जो घटना के बाद इन्होंने बताया ना, तो वो इनको बंद कर दिया कमरे में। सारी फाइल वाइल दीवाल विवाल सब खंगाली। ऐसे एक इनकम टैक्स के अधिकारी होते हैं, फिर इस कमरे में गई, इनकी पुत्रवधू रहती है। उस थोड़ी देर बाद इनका भतीजा आया, उनने बताया कि मुझे भी वहाँ कैद कर लिया। जब आप यहाँ पे आए थे वो लोग जा चुके थे? हाँ, वो लोग जा चुके थे। उसमें 2 राइफल सेमी, 1 रिवॉल्वर, 50-60 हज़ार रुपये यहाँ से ले गए। स्कॉर्पियो का नंबर भी नोट किया था कि कोई? स्कॉर्पियो का आगे का जो नंबर है वो दिल्ली नंबर है, DL43 करके ऐसे है, पीछे का नंबर नहीं ले पाए। ये क्या काम करते हैं? थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद का है, जहाँ पे हम लोग खड़े हैं। वहाँ से सूचना मिली थी पुलिस को कि गोरेलाल यादव के यहाँ 7-8 लोग एक वाइट स्कॉर्पियो गाड़ी में आए थे, इनकम टैक्स का ऑफिसर बन करके। यहाँ पे काफ़ी 15-20 मिनट तक जांच पड़ताल किया और लौटते समय इनके 2 राइफल, 1 रिवॉल्वर और 40,000 रुपया लेते गए हैं। इस सूचना पर तत्काल हमारी पुलिस टीम यहाँ पे मौके पे पहुँची। SPRA और मैं स्वयं भी यहाँ पे पहुँचा। फील्ड यूनिट इत्यादि ने सभी ने यहाँ पे छानबीन की, पूरा सर्च किया गया। तो 2 राइफलें एक कमरे में छुपाई हुई पुलिस को बरामद हो गई हैं। बाकी 1 रिवॉल्वर और 40,000 रुपये वो जाने की बात आ रही है। रिवॉल्वर की भी यहाँ पे तलाशी की जा रही है, संभावना है कि वो भी मिल जाए। और ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि वो रियल इनकम टैक्स के ऑफिसर थे या पुलिस की कोई टीम थी या कोई अन्य ठगी का या लुटेरा का कोई गैंग था, उस पर काम किया जा रहा है। कुछ क्लू मिले हैं, जैसे गाड़ी के कुछ नंबर के बारे में जानकारी मिली है, CCTV फुटेज में उसको तलाशा जा रहा है। फिलहाल घटना के बारे में जो बातें थी वो मैंने आपको बताई हैं, और डिटेल्स जैसे ही मिलेगा वो आपको अवगत कराया जाएगा। घटना के कितने देर बाद राइफल मिली है? अब इन्होंने घटना का समय तकरीबन 8:15 बताया है, और अभी कुछ ही देर पहले आप लोगों के सामने की बात है कि वो चीज़ें एक कमरे में 2 राइफलें छुपाई हुई हम लोगों को मिल गई हैं। तो इससे घटना के बारे में थोड़ी संदिग्धता भी बनती है, और इस सारे पहलुओं पे हम लोग जांच कर रहे हैं और जल्दी ही जो और रियलिटी है उसका खुलासा किया जाए। एक और बात आ रही है सर कि पहले 5 राइफल लोडेड थी और जो मिली हैं वो खाली मिली हैं, ऐसा है क्या? अब वो चीज़ें जांच की जाएंगी, क्योंकि इन्होंने अब तहरीर दे दी है, तो उसके आधार पर जो चीज़ें अब निकल के आएंगी उससे आपको अवगत कराया जाएगा। क्या आपका बिजनेस नहीं चल रहा? क्या आपके पास कोई ग्राहक नहीं आ रहा? तो घबराइए मत, टोमिंडर ऐप आपको रोजगार की 100% गारंटी देता है, साथ ही सर्विस भी, वो भी घर बैठे। अगर आप किसी प्रकार के सर्विसमैन हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, फ्रिज रिपेयरर, एसी रिपेयरर, वॉशिंग मशीन रिपेयरर, मैकेनिक वगैरह, तो आप टोमिंडर ऐप में सर्विस प्रोवाइडर में रजिस्टर हो जाइए और उसके बाद आप भी पैसा कमाइए, वो भी हर बुकिंग पर। तो डाउनलोड कीजिए अभी टोमिंडर ऐप। साथ ही अगर किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सर्विसेज की आवश्यकता हो तो यूज एज कस्टमर में लॉगिन कीजिए और घर बैठे पाएं हर प्रकार की सर्विसेज। तो सही है ना, टोमिंडर रोजगार भी और सेवा भी। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए टोमिंडर ऐप।